फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर जयदेव जी मान जी को नमस्कार आमंत्रित करूंगी, साथ ही उनसे ये निवेदन करूंगी कि विशिष्ट अतिथि द्वारा दी गई स्पीच पर संक्षिप्त प्रकाश डालें, जिससे बाहर से आए हुए हमारे अतिथियों को भी वो जान सके और अवगत हो सके। भारतीय संस्कृति है,
भारतीय जो संस्कृति है वो इंडियन फोक लाइफ है वो बेसिकली एक है, लेकिन जो कल्चर है जो वेदर है उसकी वजह से खान पान में परिवर्तन हो गया है, हमारे उठने जगने का काम करने के तरीके में कुछ परिवर्तन आ गए जिसकी वजह से हम अलग अलग पहचान देते हैं कि असमिया संस्कृति है, ये मराठी संस्कृति है, ये तमिल संस्कृति है, ऐसे ऐसे करते जैसे कि सबने कहा है आप जो भी आप दिल्ली में आएंगे तो आपको दिखेगा बहुत जगह पर वहाँ पे एसोसिएशन बने हुए असम एसोसिएशन इन दिल्ली इस तरह से बने हुए और वो अपनी जो संस्कृति है उसका प्रदर्शन करते हैं समय समय पर, बहुत सारे प्रदर्शन भी वहाँ पे लगती है। जो बिहू है हमारे जो बिहू लोक नृत्य है असम की सबसे बड़ी पहचान ये बन चुकी है पूरे भारत के स्तर पर पूरे विश्व के स्तर पर, तो दिल्ली में या अलग अलग जगह पे कभी भी किसी असमिया से कोई मिलते हैं तो दो तीन चीज़ों की चर्चा जरूर करते हैं, एक चाय की चर्चा होती है, चाय पे चर्चा नहीं होती है चाय की चर्चा होती है, और फिर बिहू नृत्य के बारे में पूछते हैं और फिर आगे खान पान के बारे में पूछते हैं कि मछली आप लोग कैसे खाते हैं, तो वो भी एक संस्कृति है कि हम बिना मछली के हमारा कुछ भी ना तो शुरू होती है ना तो अंत होता है। जैसे कि आप वहाँ पर जाएंगे वहाँ की जो ब्राह्मीस जो कम्युनिटी आप देखेंगे वो शुद्ध तरह से शुद्ध शाकाहारी होती है, लेकिन हमारी इस तरफ आप आएंगे तो बहुत सारे ब्राह्मीस आपको मिल जाएंगे जो ब्राह्मीन सारे रिचुअल्स फॉलो करने के बावजूद भी नॉनवेज खाते हैं, तो ये सारे संस्कृति हमें ये जो दो दिन का संगोष्ठी है इस संगोष्ठी में आज से है हमें ये प्रस्ताव करूँगा कि शोध समाज के साथ ही गुरु जी का जो भाषण है इस भाषण को हिंदी में ट्रांसलेट करें और संभव होता है इंग्लिश में ट्रांसलेट करें फिर उसको सर्कुलेट करें, क्योंकि इन्होंने जितनी बातें कही है इतनी वैल्यूबल बातें आज तक बहुत कम सुनने को मिलता है, जीवंत परंपरा एकदम पूरी तरह से अपने जीवन अपने समाज अपनी संस्कृति के साथ इतने गहरे रूप से जुड़ी हुई चीजों को गुरु जी ने यहाँ पे रखा है, इसके लिए मैं आशीष और बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो यहाँ आए और हमारे संगोष्ठी को सफल बनाने में एक कदम उन्होंने हमारे यहाँ पे रखवाया, और मैं और विशेष इसमें नहीं कहना चाहूँगा सारी चीजें आप लोग जानते हैं और आगामी जो सत्र है उन सारे सत्रों में हम लोग बात करेंगे, मैं विशेष तौर पर कॉलेज के जितने भी सारे तो मेरे गुरु ही है हरे तालुका सर सबसे बड़े गुरु थे यहाँ बैठे हुए जिन्होंने आज शायद पहली बार मुझे मौका दिया कि तुम इतना बोल सको, नहीं तो सर हमेशा होते रोते थे कि कम बोला करो तुम, लेकिन आज मुझे मौका मिला तो मैंने बोला, तो जुगेश सर और हरे सर और सबसे सबसे बड़े जो बधाई के पात्र है वो है अनिल सुभाष सर, इनके बिना ये इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, और मैं चाहता हूँ ये जो शुरुआत भी है कि असम के छोटे से मतलब मैं किसी भी जिले को या किसी जगह को अंडरमाइन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एकेडमी के लिए हम लोग जिस तरह से सांस्कृतिक रूप से आगे हैं और जिस प्रकार हम लोग राजनीति पर सारी चीज़ों की समझ जिस तरह से रखते हैं इस तरह की जो एकेडमिक गतिविधि है जिस तरह से सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस वगैरह और हमें एक बड़े मतलब फुल फ्लेज फंडिंग की हमें इंतजार ना करते हुए हमें इस तरह की शुरुआत हम चाहे तो कर सकते हैं, जैसे ये संभव हुआ कि किताब भी आपके सामने है किताब भी आ रही है तो सब कुछ संभव है, सिर्फ चाहिए अपनी इच्छा शक्ति अगर हमारे सबके अंदर होगा तो हम सब लोग मिलके इतने ये जो बेहतरीन एक शुरुआत हुई है शुरुआत इसको हम परंपरा के रूप में ट्रेडिशन के रूप में आगे भी हम ले जा सकते हैं, तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, नीरज सुनील जो इतने दूर से आए हुए हैं और सबका नाम मुझे याद नहीं है लेकिन मतलब आखिर में सबका धन्यवाद देते हुए मैं कहूँगा कि इस तरह से हम एक दूसरे से जुड़े रहे और इस परंपरा को लगातार आगे ले जाए और सबका आशीर्वाद।